ने मेरा नाम लेके आपने मुझे डिफेम किया है, अब मैंने आपका दूर दूर से किस्सा ही नहीं, आपका नाम ही नहीं, आपके इनिशियल ही नहीं, और आप खुद उठ के सामने आ गई है कि मेरी कोई फेक वीडियो है। कौन सी वीडियो है बीबी, बताओ तो सही, ये वीडियो कहां से आ गई दरमियान में? ये क्या, ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहानी है या वाकई कोई बात है? क्योंकि मैंने तो आपके इनिशियल्स भी सिरे से नहीं लिए, इंतहाई वाज़े तरीके से मैं आपको यहाँ पे बात करूं, और इसके ऊपर तो लोगों ने पूरे पूरे वीलॉग करके जो है वो मैंने पोस्ट करके रखा हुआ, हकीकत टीवी का वीलॉग, वो भी आपको बता रहे हैं कि बीबी उन्होंने तो आपके इनिशियल लिए ही नहीं है सिरे से, ना मैं आपको बता रहा हूँ वाज़े कर रहा हूँ कि आपके इनिशियल तक नहीं लिए गए, और अगर किसी के लिए गए तो उसमें हजारों के नाम, हजारों की तादाद में इतनी मॉडल्स बनती हैं, और मैंने तो मॉडल्स कहा, आप तो मेरे ख्याल में एक्ट्रेसेस हैं, तो ये फिर आपको किसने इस काम के ऊपर लगाया? ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरी जो बाकमाल ज़राए जो मेरे हैं, जो मेरी सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ये इस्तेमाल करेंगे वहां पे एजेंसियों वाले, तो क्या आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है मेरे खिलाफ, आप नाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अब दूसरी तीसरी बात यह है कि बीबी आप तैयार रहें, ये मामला दो तरफा होता है, यहाँ पे आप यूके नेशनल हैं तो मैं भी यहाँ पे यूके में ही रह रहा हूँ, सो बिस्मिल्लाह आप तशरीफ लाएं, आप नहीं भी लाएंगी तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैंने भी अपने वकला से मशवरे कर लिए, और आपका इंतजार है अब सिर्फ कि आपने जो टाइम दिया था उसके मुताबिक आप जो है वो कार्रवाई करें, नहीं तो अभी आपको जो है अगली कार्रवाई मेरी तरफ से आएगी आपके पास। इसलिए मैं वाजे करता चलूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम को ये जो डिफेमेशन कैंपेन चलाई जा रही है चार अदाकाराओं का नाम लेके, मैं इसकी शदीद तरीन मजम्मत करता हूं, मैं इसको एंडोर्स नहीं करता हूं, मेरा इशारा इनकी तरफ था ही नहीं भाई, हजारों की तादाद में लड़कियां, किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोगों को ससल मुद्दे से आपका जहन हटाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि क्या जनरल फैज की इंक्वायरी हो रही है? असल मुद्दा यह है कि क्या ये तमाम कार्रवाइयां ऑडियोज और वीडियोज बनी? हाँ, इनके तमाम सियासी लीडर्स ने, मरियम नवाज साहिबा ने इसका जिक्र किया है कई दफा, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने जिक्र किया है, आम खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि हमारी वीडियोज बनी है, हमारे पास वीडियोज मौजूद है, ऑडियोज और वीडियोज मौजूद है। क्या आजम सवाती साहब की असल मुद्दा यह है कि उनकी अहलिया के साथ वीडियो बना के खुफिया तरीके से उनकी बेटी को नहीं भेजी गई? भेजी गई है, ठीक है। क्या ये वीडियोज और ऑडियोज के जरिए जो है वो ब्लैकमेलिंग का बिजनेस किया जाता है या नहीं किया जाता? क्या पाकिस्तान के अंदर ये तारीख मौजूद नहीं है कि जनरल रानी टाइप करेक्टर्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं ख्वातीन को और उनको इस्तेमाल किया जाता है पावरफुल लोगों की तरफ से? क्या यह हकीकत नहीं है? असल बात यह है, असल बात यह है कि क्या ये करप्शन की इंक्वायरी के सामने जो इस वक्त जनरल फैज के ऊपर हो रही है, क्या जनरल फैज इकलौते इसके जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है?